गाइस सबसे पहले गोप्रो को ऑन करते हैं। यह है गोप्रो 9 ब्लैक। सबसे पहले इस पावर बटन को दबाते हैं तो यह ऑन हो जाएगा। एक बार दबाने के बाद यह ऑन हो जाएगा। अभी आपका डिस्प्ले में आ चुका है और पीछे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी पीछे का डिस्प्ले भी ऑन है। ठीक है, तो अगर आपको पीछे का डिस्प्ले बंद करना है वो भी बंद कर सकते हो। और ये लेंस है, ये पीछे का स्क्रीन है, ये स्पीकर है, ये गोप्रो का 3D लोगो है और ऊपर की तरफ माइक है और ये कैप्चर बटन एंड ये मेन स्क्रीन है। और नीचे की तरफ आपको इनका स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है वो ऑटोमेटिकली लग जाता है और ये साइड में बैटरी लॉक। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 16% चार्ज है और काफ़ी तेज़ी से ये चार्ज जो है खींच लेता है। यहाँ पे मेमोरी का आइकन दिखा रहा है, 3 घंटे 52 मिनट आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए 3 घंटे 52 मिनट रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी ये वीडियो मोड पे है, तो ये साइड वाला बटन यहाँ पे देख सकते हो, मोड लिखा है। जैसे आप उसको एक बार दबाते हो तो अभी ये जो है फोटो मोड में आ गया। फिर से एक बार दबाते हो तो ये टाइम लैप्स की मोड पे आ गया। फिर से एक बार दबाते हो ये वीडियो मोड पे आ गया। मोबाइल की तरह इसके अंदर आपको सेंसर देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो मोबाइल मोड में चला जाएगा, फिर से ऐसे करेंगे तो वापस लैंडस्केप मोड में ये आ गया। अगर आपको सबसे पहले मैं सेटिंग दिखा देता हूँ, मोबाइल की तरह ही है। आपको ऊपर की तरफ से खींचेंगे तो नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। यहाँ पे GPS ऑन है और ऐप में ये कनेक्टेड नहीं है। और टाइम हो रहा है 3:38 दोपहर का। तारीख डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो ऑप्शन अगर आप एनाबल करते हो तो ये वॉइस कंट्रोल है। जैसे कि आप बोलते हो GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो ये रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे आप बोलते हो GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद ये बीप वाला साउंड है, अगर आप इसको ऑन रखते हो तो जब भी आप वीडियो बनाओगे या फिर वीडियो स्टॉप करोगे तो ये बीप साउंड होगा। तो ये वाला ऑप्शन के बारे में, ये क्विक कैप्चर है, अगर आपको कोई भी चीज़ अचानक कैप्चर करना है तो ये वाला ऑप्शन अगर आप इनेबल करके रखते हो तो इंस्टेंटली ये कैप्चर हो जाएगा, जैसे ये ऊपर वाला बटन दबाते हो। उसके बाद ये है स्क्रीन ऑन ऑफ का बटन। अगर आपको स्क्रीन लॉक रखना है तो ये बटन दबाने से स्क्रीन लॉक हो जाएगा कुछ ही सेकंड के बाद, फिर आप स्क्रीन टैप करके अनलॉक कर सकते हो। इसके बाद ये आता है ग्रिड वाला ऑप्शन। ग्रिड का मतलब ये चार लाइन आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हो चार लाइन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप इसको रखना है तो रख सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। और ये वाला जो है, ये है पिछला वाला डिस्प्ले का ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट हुआ है तो डिस्प्ले में क्या होगा, मेरा फेस ही दिखेगा। बीच वाला पार्ट जो है मेरा फेस है तो वही दिखेगा, साइड का नहीं दिखेगा। तो इसमें अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो अभी साइड दिखने लगे, वाइड हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको खाली एक ही स्क्रीन दिखाना है तो आप खाली स्टेटस दिखा सकते हो, क्या स्टेटस है अभी वो स्टेटस ही दिखाएगा। ठीक है, अगर आपको पिछले वाला कैम स्क्रीन को बंद करना है तो यहाँ पे ये जो क्रॉस आइकन है इसको दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पीछे का डिस्प्ले जो है बंद हो चुका है, आप बैटरी सेव कर सकते हो। इसके बाद इतना ही ऑप्शन मिलता है, उसके बाद सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीफरेंस में आपको बहुत सारा सेटिंग मिल जाता है। जैसे कि जनरल में जाएंगे तो आपको वॉल्यूम मीडियम हाई जो भी करना है, ये है बीप का वॉल्यूम, जो पी पी होता है ना उसका वॉल्यूम आप हाई पे रख सकते हो या फिर लो पे रख सकते हो। क्विक कैप्चर यहाँ पे ऑन है और डिफ़ॉल्ट प्रीसेट जो है, लास्ट टाइम हमने वीडियो मोड पे यूज किया था इसको, पावर ऑफ जो है 5 मिनट के बाद अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली ये पावर ऑफ हो जाएगा। LED ऑलवेज ऑन, यहाँ पे एक LED लाइट है, ये जलता रहता है जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो। और यहाँ पे भी एक LED लाइट है, ये वाला, ये भी जलता रहता है जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो। तो एंटी फ्लिकरिंग वो तो कैमरा का ऑप्शन है। वीडियो कंप्रेशन जो है बहुत अच्छी जो है, ज़्यादा टाइम के लिए मैंने इसको बना के रख सकते हैं तो इसका वो ये ऑप्शन है। जब अगर आपका मेमोरी फुल हो जाता है तो ये वाला ऑप्शन दबा देंगे तो आपका मेमोरी जो है धीरे धीरे फुल होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा वीडियो बना सकते हो। और टाइम ये वाला है डेट। ठीक है, तो हम ऐसे नीचे आएंगे, फिर इसको वापस जाएंगे तो अभी हो गया वॉइस कंट्रोल आ गया। वॉइस कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया था, इंग्लिश कमांड वॉइस कंट्रोल अभी ऑफ है और ये कंट्रोल है। ये देखो, ये मैंने बोला था ना, GoPro कैप्चर, GoPro स्टॉप कैप्चर, GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग, GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, GoPro हाईलाइट, GoPro टेक फोटो, GoPro शॉट ब्रस्ट, ये सब ऐसा बोल के आप इसको एक्टिव कर सकते हो, कमांड है ये। ठीक है, वापस बैक चलते हैं और डिस्प्ले में आते हैं। तो डिस्प्ले में आपको ओरिएंटेशन ऑन पे है, ओरिएंटेशन मतलब ऐसा ऐसा आप घुमा सकते हो। ऑल पे रखेंगे तो जैसे ही आप घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा मोबाइल की तरह। ठीक है,
तो स्क्रीन सेवर जो है 1 मिनट के बाद ये जो है स्क्रीन लॉक हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगा, लाइट बाइट कुछ भी नहीं जलेगा, इसके वजह से आपका बैटरी जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। और ब्राइटनेस यहाँ पे मैंने 100 रखा है, इसको चाहे आप कम कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। बाइक चलाने के टाइम में आप इसको कम भी कर सकते हो। अरे क्या नहीं हो रहा है, 1 मिनट, ये देखो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अभी फ़िलहाल ज़्यादा रख देते हैं। उसके बाद रीजनल में आपको क्या ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जीपीएस ऑन, लैंग्वेज ऑन इंग्लिश, और मोड में मीडिया मोड जो होता है साइड में लगता है वो तो नहीं है, तो इसका सेटिंग हम छोड़ देते हैं। अबाउट में गोप्रो के बारे में जो है, गोप्रो अपडेट, कैमरा इन्फो, बैटरी इन्फो, बैटरी आप पे देख सकते हो आईफोन की तरह दिख रहा है, बैटरी जो है हेल्थ जो है एक्सीलेंट, बैटरी कंफर्टेबल, ठीक है। ओके तो अभी बैक चलते हैं, अबाउट हमारा ख़त्म हो गया, तो रीसेट का बटन आप दबाएंगे तो पूरा रीसेट हो जाएगा। और ये रेगुलरिटी कुछ नोटिस वगैरह यहाँ पे है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो अभी लेंस वेंस के बारे में जानने के लिए और एक सेटिंग है, तो यहाँ पे कनेक्शन में जाएंगे तो वायरलेस कनेक्शन ऑन है, वायरलेस कनेक्शन अगर आप ऑन ऑफ रखते हो तो आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में ये कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट डिवाइस जो है गोप्रो में, गोप्रो आप क्विक ऐप में मैं कनेक्ट करता हूँ, तो इसका अलग अलग ऑप्शन है, तो रिमोट अगर चाहते हो आप रिमोट भी रख सकते हो, रिमोट मेरे पास नहीं है। तो यूएसबी कनेक्शन है, यूएसबी कनेक्शन अगर आप ऑन एमटीपी पे रखते हो तो लैपटॉप लगा के डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, गोप्रो कनेक्ट में रखेंगे तो लैपटॉप में ये शो नहीं करेगा। कैमरा इन्फो में आप जा सकते हो, तो इसका नाम जो दिया है, मेरा नाम है सुब्रत स्वाई 123, पासवर्ड ये है, ठीक है। तो उसके बाद वाईफाई बैंड में आपको 2 डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाती है, जैसे कि ऐप में देख सकते हो 5 GHz एंड 2.4 GHz, ठीक है। तो अभी रीसेट कनेक्शन करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, बिल्कुल मोबाइल की तरह है। तो अभी दोनों ऑप्शन के बारे में मैं बता चुका हूँ, तो अभी यहाँ पे हम इसको वापस जो है ऊपर की तरह कर देते हैं। ये हमारा हो गया मेन स्क्रीन, तो ये जो आइकन देख रहे हैं आप लोग देख सकते हो ये क्या है, आप सोच सकते हो ये क्या है भाई, तो ये जो है हमारा हाइपर स्मूथ, हाइपर स्मूथ जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है गोप्रो में, जो हम इमेज स्टेबलाइजेशन करते हैं ना, अगर ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं रहेगा तो हम इमेज स्टेबलाइजेशन का काम नहीं करेगा, नॉर्मल मोबाइल की तरह ये रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे कुछ चीज़ें रख सकते हो, जैसे कि आप मोबाइल पे रखते हो आइकन में, जो भी ज़्यादा एप्लीकेशन आप यूज करते हो उसको होम स्क्रीन पर रख देते हो, बिल्कुल इसी तरह है, आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे ला के रख सकते हो, ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप हाइपर स्मूथ बूस्ट को रख सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन रख सकते हो लो लाइट, या फिर शटर बटन, बहुत सारा चीज़ें हैं ऑप्शन यहाँ पे आप रख सकते हो, जो भी चीज़ें आप हमेशा यूज करते हो वो चीज़ को यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो अभी वीडियो जो है, वीडियो सेटिंग के बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ पे जो यस बटन दिख रहा है ये मोबाइल का लेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे यस का मतलब है सुपर व्यू, आप देख सकते हो सुपर व्यू लिखा है, 16 mm का लेंस है और यहाँ पे लिखा है सुपर व्यू। सुपर व्यू हमेशा हम यूज करते हैं हमारा गोप्रो में, क्योंकि बाइक का पूरा हैंडल को लेकर सब कुछ आ जाता है उसके पीछे, अगर आपको ज़्यादा वाइड नहीं चाहिए उसके पीछे आ सकते हो, वाइड में आ सकते हो, उसके पीछे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लाइनर हॉरिजॉन्टल लिविंग दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, तो सबसे ज़्यादा जो ये नैरो जो सबसे ज़्यादा जूम होता है आप देख सकते हो, और जैसे मैं इसको सुपर व्यू करता हूँ कितना जूम हो गया, ठीक है। तो ये जूम का है, अगर आपको स्लो मोशन लेना है तो ये स्लो मोशन का जो स्पीड है 2x, 4x, 8x सब कुछ है, जो भी आप चीज़ इंस्टा रिकॉर्ड करना चाहते हो उसको होम स्क्रीन पे रख सकते हो। देखिए यहाँ पे लाइट जो है, बैटरी जो है काफ़ी तेज़ी से जो है जा रहा है, अभी 10% का चार्ज है। इसके बाद ये है स्टैंडर्ड मोड पे, अभी एक वीडियो मोड पे है, लेकिन कितना साइज़ का है, स्टैंडर्ड के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे है 1080x120fps सुपर व्यू, इसको आप एडिट करके इसको सुपर व्यू लेंस को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको हिसाब से, जो भी बाइक के हिसाब से। तो हाइपर स्मूथ को अगर ज़्यादा रखेंगे तो बहुत स्टेबल वीडियो आएगा, नहीं तो इसको कम भी कर सकते हैं, उससे भी बंद कर सकते हैं, 3 मोड आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेटअप आ गया, जैसे कि आप अभी है 1080x120fps पर है, इस पर रखेंगे तो आपको जो मेमोरी में जो डाटा है बहुत ज़्यादा खाएगा, आपका स्टोरेज जो है फुल हो सकता है, तो आप इसको अपने हिसाब से 60 या फिर 30 या फिर
24 कर सकते हो। मैं नॉर्मली 60 रखता हूँ, तो यहाँ पे 4K में आपको देखने को मिल जाती है 60 FPS। 120 FPS नहीं करेगा काम, 60 FPS तक 4K में काम करेगा, और 2.7K में आपका 120 FPS काम कर सकता है। 5K में आपको सिर्फ 30 FPS काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 4K, 2K, 40 40, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं। यहाँ पे नीचे आपका टाइमर का बहुत सारा ऑप्शन, जूम जो है ऑफ है, तो बिट रेट जो है स्टैंडर्ड है, इसको आप हाई भी कर सकते हो, ठीक है। हाई बिट रेट पे करेंगे तो जो रिकॉर्ड होगा काफ़ी ज़्यादा फाइल बन सकता है, 1 GB, 2 GB, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट बैलेंस जो है ऑटो है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि जो कैमरा मैन होता है उसको पता है। तो ISO, ISO मैक्स, इसके बारे में आपको नहीं पता है। कलर जो है गोप्रो का खुद का कलर है, इसमें दो तीन कलर मोड मिल जाती हैं। तो अगर आप कलर इसको नीचे करेंगे तो फ्लैट कलर में कुछ थोड़ा सा वाइट दिखेगा, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये गोप्रो का ओरिजिनल कलर में, और जगह के हिसाब से आप कलर मैच कर सकते हो। रॉ ऑडियो हाई पे है, तो जो भी एक्सटर्नल माइक है उसमें अगर हम यूज करते हैं इस कैमरा में एक्सटर्नल माइक, तो हाँ, काफ़ी अच्छा साउंड जो है आ जाएगा। गोप्रो काफ़ी हीट हो चुका है इतना समय में यूज करने का कारण, जो है कैमरा अभी ऑन है और फुल ब्राइटनेस पर यह है जो है पूरा, मतलब काफ़ी तेज़ी से ये गर्म हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हीटिंग का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसा देखने को मिल जाती है, स्टैंडर्ड, 4K, सिनेमेटिक, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जब आप इस चीज़ को बाय करेंगे तब आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। भी ओवरऑली मैंने एक आइडिया बता दिया, अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई गोप्रो में ऐसा क्या है, कुछ नहीं, बस नॉर्मल सब कुछ मोबाइल की तरह है, लेकिन इसका जो स्टेबलाइजेशन है, इसके लिए इसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप छोटा है, आप आराम से इसको ले सकते हो। लेकिन पैसा के बारे में बात करें तो पैसा भी होना चाहिए। अगर आपका YouTube चैनल है, अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, आपको लेना चाहिए तो ले सकते हो। यहाँ पे मैंने इस वाले रैप को हटाया नहीं, क्योंकि इसका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर लोकल मार्केट में मिलता नहीं है, तो मैंने इसको अमेजोन पे ऑलरेडी मंगाया, 2-3 दिन में आ जाएगा। सामने एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, यहाँ पर लेंस के लिए, यहाँ पर एक पिछला वाला डिस्प्ले के लिए। तो यही था कुछ रिकॉर्डिंग का, इसका पूरा सेटअप के बारे में ओवरऑली मैंने बता दिया। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर इसके बारे में और कुछ जानना चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। इसका एक अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगा, वीडियो टेस्ट का, मोबाइल वर्सेस गोप्रो हीरो 9 ब्लैक। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है तो आई बटन में, ये जो आई बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपने चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख रहे ना टेक्निकल गुड जी। बाय बाय।